बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का हतमी फैसला हो गया। तनख्वाहों में 15% इजाफा मुतवक्के, बजट कल पेश किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानब से मजमूई हुजम 18,000 अरब रुपये के लगभग हुजम पर मुश्तमिल वफाकी बजट कल बरोज़ बुध पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बजट में सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के है, जबकि टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपये मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बजट में सूद और कर्ज़ों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपये लगाया गया है। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज़ के लिए 800 अरब रुपये मुख्तस किए जाने और वफाकी टैक्स रेवेन्यू 12.9 ट्रिलियन रुपये के लगभग। न्यूज़ चैनल्स की खबर के मुताबिक भी सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के है। एक बड़ी तादाद मुलाज़मीन की इस वक्त वज़ारत ख़ज़ाना के सामने पहुंचने लगी है, जो दफातर में बैठे हुए सेक्रेटेरिएट के साथ ही और दीगर जो हैं। सुलहर साहब चलते जाएं, चलते जाएंगे तो गैप बनेगा, तेज चलेंगे तो गैप बनेगा, पीछे बंदे बहुत हैं, ये जुड़ते जा रहे हैं। जितना जल्दी चलेंगे उतना गैप बढ़ेगा, ये जुड़ते जा रहे हैं आपस में। ये जुड़ते जा रहे हैं, जितना तेज चलेंगे ना गैप बीच में आता रहेगा। वज़ारते खजाना के सामने इस वक्त पहुंचने लगे और PWD के साथी जो हैं और सेक्रेटेरिएट के साथी इस वक्त एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बड़ी तादाद PWD के साथियों की इधर मौजूद है, अलायंस में हमारे शामिल। क्या चीज अली? अली अली बस इस रुख पे रख ले। Allah